परसेंट को देखिए आज 40, सुबह से अभी तक 40 देखिए आप। किस तरह का पेशेंट सब मिला? ज़्यादा रिफ्रैक्टिव मिरर है, इनका चश्मे की काफ़ी ज़्यादा नंबर है, या फिर अभी समर चल रहा है तो उसकी इची बर्निंग से सर डेट मीन्स की खुजली जलन ये सब की काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। इसका का वजह क्या हो सकता है मैडम, अभी जो इस तरह से इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं, मौसम का है कि कोई? अभी तो ये जो एलर्जी का आ रहा है तो ये तो मौसम की वजह से आ रहे हैं। मौसम की वजह से? और चश्मा का नंबर का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव मिरर आ रहे हैं अभी, और बहुत मोतियाबिंद के भी पेशेंट आ रहे हैं, वो तो एज फैक्टर है। थैंक यू मैडम। आयोजन क्या कहते हैं, ब्लड बैंक और स्वास्थ्य शिविर वाला है, तो दो शब्द आप ही बता दीजिए। जी सर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोटी बैंक और महिला विकास मंच संयुक्त में सारे कार्य कर रहे हैं, तो समाज सेवी में हम लोग सारे तरीके से डूब चुके हैं, उसी को मद्देनजर देखते हुए आज हम सभी ने मिलकर के स्वास्थ्य शिविर जाँच लगाया है। यहाँ जो कई ग्रामीण लोग भी आए हुए हैं और देख रहे हैं, ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं, सर्जन है वगैरह है, जो यहाँ का मधुबनी जिला का क्रिप्स हॉस्पिटल जो ज़िले में बहुत बड़े हॉस्पिटल है, उन्हीं का तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर आज जयनगर आए हुए सुविधार्थी भवन में, और इनका लाभ तमाम यहाँ का जो है सभी जनता जो भी आए हुए हैं जांच कराने के लिए सेवा का मौका ले रहे हैं। थैंक यू। नाम बता देंगे आप? मनीष सिंह यादव। थैंक यू। मैडम सर आपसे बात करें, आपका थोड़ा नाम जाने? कहाँ से आई है? क्रिप्स हॉस्पिटल। क्रिप्स हॉस्पिटल से आई, क्या देख रही हैं आप? यहाँ पर गायनिक जितने भी लेडीज प्रॉब्लम होते हैं उनको देख। अभी तक कितना पेशेंट को देखिए आप? अभी तक 20 पेशेंट देख चुके हैं। मैडम आपका नाम थोड़ा जाने? मेरा नाम पिंकी झा है। एक रिपोर्टर के तौर पर मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ, थोड़ा परिचय बोल दीजिए। मैं पिंकी झा जयनगर सिटी से, मैं अभी नया नया जब मान लीजिए जयनगर प्रखंड में पहली महिला पत्रकार बन के सेवा में उतरी। जयनगर सिटी में ज्वाइन किया आप, अभी काम कर रही वहाँ पर? हाँ। तो अभी आप रिपोर्टिंग करने के लिए आई है? हाँ। जयनगर सिटी की ओर से। चलिए, हमारी शुभकामना है और आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में वेलकम है। थैंक यू। अभी रोटी बैंक और ये क्या कहते हैं महिला विकास मंच के कार्यक्रम में पधारे हैं, दो शब्द आपसे, दो शब्द। देखिए, महिला विकास मंच और रोटी बैंक इन लोगों के द्वारा हाल के वर्षों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं सो बिल्कुल अभूतपूर्व, केवल सामाजिक कामों पर इन लोगों का ध्यान है। जैसे रोटी बैंक के द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था आज से नहीं कई सालों से की जा रही है, बल्कि कोरोना से पहले से की जा रही है, और पूरे ज़िले में नहीं आसपास के क्षेत्रों में आप देखें तो सबसे बड़ी शुरुआत रोटी बैंक के द्वारा यही की गई थी। और जब से महिला विकास मंच और रोटी बैंक एक साथ आए हैं उसके बाद सामाजिक कार्यों का इनका क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़े क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। इस बार हमने देखा जाड़े के अंदर भी एकदम ठिठुरती ठंड में रात के 10 बजे 11 बजे इनके कार्यकर्ता कम्बल बदल मैंने अपने कंधे पर रख के और गरीबों को बांट रहे हैं। ब्लड ये डोनेशन कैंप है, ये लगातार ये लोग लगवाते हैं। ये सराहनीय कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। इन लोगों को, इस दोनों टीम को जितनी भी बधाई दी जाए कम है, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।